सवालों के लिए तुम अभी तक अपाहिज हो। जिस दिन तुमने अपनी आत्मा से बोझ उतारने की कोशिश करो उस दिन से तैयार रहना, अपने पति बच्चों और नाती की लाशों का बोझ उठाने के लिए। बेटा तुम यहाँ क्यों? मामा जी मैं यहाँ नहीं आ सकती। कैसी बातें करती हो बेटा, ये तो तुम्हारा घर है। कैलाशनाथ जी का फोन आया था तुम्हारी पार्टी का इनविटेशन देने के लिए। विक्रम के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा। सुना है वह जोरों शोरों से पार्टी की तैयारी कर रहा है। बहुत खुश होता हूँ बेटा, आखिर तुम्हारी तपस्या का तुम्हें फल मिल गया। यही बात आपने मेरे वैष्णो देवी की यात्रा से पहले भी कही थी ना मामा जी, लेकिन लौटने के बाद क्या हुआ था? मैं जानता हूँ बेटा, विक्रम का दिमाग स्थिर नहीं रहता, लेकिन तुम अपनी उम्मीद मत छोड़ना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी कही ये बातें याद रखिएगा मामा जी, क्योंकि अब जो होने वाला है उसे सहने के लिए शब्दों की नहीं आत्मा की शक्ति की जरूरत पड़ेगी। उसका सामना करने के लिए आपको अपनी पूरी तपस्या, पूरा विश्वास और पूरी शक्ति चाहिए होगी। तुम क्या कह रही हो बेटा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको आने वाले कल के लिए तैयार कर रही हूँ। मेरा दिल घबरा रहा है बेटा, क्या होने वाला है? अब जो होने वाला है उसे दुनिया का कोई पिता नहीं चाहेगा कि उसके साथ हो। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके रगों में खून दौड़ेगा, लेकिन उसका रंग सफेद होगा। आपको जीवन एक श्राप लगेगा और मौत एक वरदान। सच और झूठ के इस द्वंद में आपको फैसला करना होगा कि आप किसका साथ देंगे। अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान के लिए तैयार हो जाइए मामा जी, क्योंकि ये इम्तिहान आपसे बलिदान मांगेगा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आओ आओ बहू आओ, शादी की सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू बाबूजी। चलो तुम्हारा शादी की सालगिरह का तोहफा। बहुत सुंदर है ये, तुम रेवती से कहो। ये खरीदने का फैसला रेवती का ही था। माँ जी आपने बिल्कुल सही फैसला किया। रेवती के फैसले हमेशा सही होते हैं बहू। अब मुझे देखो, मुझसे शादी करने का फैसला भी रेवती का ही था। कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? फैसला सही हो या गलत ये तो वक्त बताता है। तुम सही कहती हो, तुम्हारी और विक्रम की शादी का फैसला भी रेवती ने लिया था। हो सकता है तुम्हारी नजर में ये फैसला गलत हो, लेकिन वो रेवती ऐसा नहीं करती। ये घर कब का बिखर गया होता, तुम वहीं तो ये घर बच गया। मैंने क्या किया बाबूजी?
अगर तुम चाहती तो ये घर कब का छोड़कर जा चुकी होती। आज तुम्हारी वजह से इस घर में खुशियां हैं। अगर रेवती ठीक होती तो सच तुम उसी के मुंह से सुनती। मैं जानती हूँ बाबूजी, मुझे भी माँ जी के मुंह से सच सुनने का ही इंतजार है। संतो बुआ, सिर्फ माला के मोती घुमाने से कुछ नहीं होगा। उठो और कमर कसो और गायत्री से बदला लेने के लिए तैयार हो जाओ। उठो। अगर आपने मेरा साथ दिया तो हम जल्द गायत्री को उसके घर से बाहर निकाल सकते हैं। मती मारी गई है तेरी। जिस चंडी का भैरव बाबा कुछ न बिगाड़ सके उससे बदला लेने का सोच रही है? होश में तो है तू? अगर आपने मेरा प्लान सुन लिया तो आपके होश उड़ जाएंगे। सुन तो बुआ, ऐसी क्या चाल है जो भैरव बाबा न चल सके और तू चलेगी? ये तांत्रिकों की नहीं, इंसानों वाली चाल है। और आपने तो सुना ही होगा कि इंसान जब अपनी करने पर आ जाए तो उससे खतरनाक जानवर इस धरती पर और कोई नहीं। बोलती जा, सुन रही हूँ। विक्रम और मलिका की शादी कर देते हैं। इसके दो फायदे हैं। एक बार शादी हो जाएगी उसके बाद गायत्री का उस घर में क्या काम, वो तो अपने आप चली जाएगी। और दूसरा फायदा? आपके खानदान को कुलदीपक मिल जाएगा। कमौरानी, जागते में सपने देखना बंद कर दे। संतो को तामिनी ने हमेशा जागते हुए ही सपने देखे हैं और वो अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत और जिद दोनों रखती है। ऐसा है तो ये बता, ये सब होगा कैसे? संतो बुआ, सच? लेकिन कब? आज रात को गायत्री की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी। क्या सोच रहे हो आप दीदी? तूफान से पहले की खामोशी को सुन रही दीदी। जब आप जानती कि तूफान आने वाला है और वो तूफान सब कुछ बर्बाद कर देगा तो आप कुछ करते क्यों नहीं? क्या क्या रोकोगे? चढ़ते हुए सूरज को, बहते हुए पानी को, गुजरते हुए वक्त को, जीवन को, मृत्यु को, ये सब एक माला में पिरोए हुए मोती की तरह है और उस माला का नाम कुदरत है। इसका मतलब कि तूफान आकर रहेगा। आइए सत्येन बाबू, आइए। मैं जानता था कि शादी में लड़के वाले अक्सर देर से आते हैं, लेकिन शादी की सालगिरह में लड़की वाले देर से आते हैं ये पहली बार देखा। आइए 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 आइए। एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी। कैसी हो गायत्री? मामी, मैं बिल्कुल पहले जैसी हूँ। शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो। याद है ना ये शादी मैंने ही करवाई थी? वो मैं कैसे भूल सकती हूँ? भूलने भी नहीं दूंगी। लेकिन अफसोस मामी, आप रिश्तों की मर्यादा को कभी समझ ही नहीं पाए।
What do you mean? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे सिखाओगी कि रिश्तों की मर्यादा क्या होती है? मुझे, कामिनी कपूर को? मामी, जो चीज आपने आज तक कभी सीखी ही नहीं, उसे आज भी सीखने में कोई हर्ज नहीं है। कम्मो रानी, अकड़ देखी महारानी की? संतो बुआ, सारी की सारी अकड़ तारी रह जाएगी। गायत्री बेटा। अरे मामा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। तुमने मंदिर में मुझसे जो कहा था उसका क्या मतलब? समय आने पर सब कुछ साफ साफ नजर आएगा मामा जी। अगर तुम्हें सब कुछ मालूम है बेटा, तो तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके पास जो समय है वो मुस्कुरा कर बीते, क्योंकि पता नहीं फिर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कब आएगी। क्या बात है भाई सत्यन बाबू, बहुरानी ने ऐसी कौन सी बात कह दी, आपके तो रंगत ही उड़ गई। कैलाश नाथ जी सिर्फ रंग ही नहीं, होश भी उड़ गए। जी नहीं सत्यन बाबू, होश तो आपके अब हम उड़ाएंगे। आइए। चिंता की कोई बात नहीं सत्यन बाबू, शायद नाचने से थक गई होगी। ये डॉक्टर इतना समय क्यों लगा रहे हैं? चेकअप में वक्त तो लगता है। बोलते क्यों नहीं? मल्लिका ठीक तो है ना? मल्लिका आप दोनों की बेटी है? हाँ हमारी बेटी है। क्या बात है डॉक्टर? शी इज प्रेग्नेंट। जानते क्या कह रहे हैं कैलाश नाथ जी? ये डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की अभी शादी नहीं हुई है और आप एक शरीफ लड़की पर इस तरह कीचड़ नहीं उछाल सकते। लेकिन ये सच है, आपकी बेटी मां बनने वाली है। स्टॉप इट, आई से स्टॉप इट। कैलाश नाथ जी, ये कभी सुना तुमने? क्या कह रहे हैं ये? मेरी बच्ची, मेरी बेटी बगैर शादी के
हौसला रखिए सत्यन बाबू, दीदी ना सब ठीक करेंगे। क्या किया तुमने मलिका, ये क्या किया तुमने, तुझे शर्म नहीं आई? इसीलिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था हाँ? बता मुझे कि एक दिन तू इस तरह से होश में आओ, मार डालोगी कैसे? हाँ मार डालूंगी, मर जाती तो अच्छा होता। सुन तो वो क्या क्या नहीं सोचा था इस लड़की के लिए और इसने क्या कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, मर जा मर जा, मार डालो इसे, मार डालो, मर जा। अरे अरे ये क्या कह रही हैं आप, मैं जानता हूं इससे गलती हुई है लेकिन इस समस्या का हल ये तो नहीं हुआ। बोलो बेटी बताओ कौन है इस बच्चे का पिता? बोलो बेटी कौन है इस बच्चे का पिता? इससे पहले बात आगे बढ़े, लोगों की जुबान तक पहुंचे, हम फौरन उससे तुम्हारी शादी करा देंगे। क्यों सत्यन बाबू, बोलो बेटी बताओ। इस बच्चे का पिता बोलो, झूठ बोल रही है, शी इज लाइंग। बाबूजी ये सच है, विक्रम ही मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। <laughs>